नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे साउथ पर। यदि आप एक बार बॉक्स ऑफिस की बात करें तो किसी भी हालत में भारतवर्ष के जो सबसे सफल बॉक्स ऑफिस कलाकार हैं उनके नामों में एक नाम आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देगा और वो है पवन कल्याण। पवन कल्याण जो है वो काफी दिनों से राजनीति से जुड़ने के बाद सिनेमा से दूर थे और अब वो वापस आ रहे हैं एक फिल्म के थ्रू जिसका नाम है वकील साहब। वकील साहब जो है बेसिकली अमिताभ बच्चन की जो पिंक फिल्म है उसका रीमेक है और 2 साल से उन्हें पर्दे पर नहीं देखा गया है, इसलिए उनके फैंस कुछ जरूरत से ज़्यादा ही बेताब हैं। इस फिल्म के एक फर्स्ट लुक भी जारी किया गया जिसमें कि वो आराम से एक कुर्सी पर अपना पैर टिकाए किताब हाथ में लिए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि इस फिल्म में पवन कल्याण की पत्नी का किरदार कौन निभाएगा। जी नहीं, वो और कोई नहीं बल्कि श्रुति हसन है। श्रुति हसन जो हैं वो दिखाई देंगी एक बार फिर पवन कल्याण के साथ वकील साहब में, और वकील साहब को एक बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। सिर्फ पिंक नहीं है बल्कि पिंक के अलावा जो एक्टर हैं हमारे पवन कल्याण उनके पब्लिक इमेज को ध्यान में देते हुए उस हिसाब से कई एलिमेंट्स ऐड भी किए गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से इसके बाद अब जनता के पास सेलिब्रेट करने का एक नया रीजन है, खासतौर पे जो पवन कल्याण के फैन हैं पूरे भारतवर्ष में। तो मैं आशा करता हूं कि आप भी उनके अगर फैन हैं तो जरूर देखेंगे इस फिल्म को जाकर के, और नहीं है तो भी देखें जिससे कि आप उनके फैन बन जाएं, क्योंकि हमें हर तरह की फिल्मों को सपोर्ट करना बहुत आवश्यक है। बहुत बड़ा फैन हूं पवन कल्याण के एक्शन स्टाइल का, तो मैं आशा करता हूं इस फिल्म में थोड़ा सा एक्शन तो जरूर देखने मिलेगा उनसे। लेके आऊंगा इसी तरह से बहुत अच्छी अच्छी खबरें, आप जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।